प्राणिनामार्तिनाशनम्। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि 150 जयंती महा मना मालवीय जी की बहुत सफल ढंग से मनाई गई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय भारतवर्ष में एक ही विश्वविद्यालय है जो कि 1916 में जब भारतवर्ष ब्रिटिशर्स द्वारा शासित था उस समय एक भारतीय ने इतना बड़ा प्रयास करके भारतीयों के लिए भारतीय चंदों से ये बनाया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये केवल यही विश्वविद्यालय है जहाँ की आपको नर्सरी से लेकर के डॉक्टरेट तक की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर नर्सरी है, प्राइमरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं और अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। अंडर ग्रेजुएट की स्टडी होती है, पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडी होती है। ये इतने सारे फैकल्टीज़, डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। यही ऐसा विश्वविद्यालय है भारतवर्ष में जिसमें कि आईआईटी भी आज है इसी में। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य था और ये आज एशिया के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, करीब 15,000 बच्चे यहाँ 76 हॉस्टल्स में रहते हैं और इसी तरह से कई हज़ार स्टाफ भी यहाँ के कैंपस के अंदर ही रहते हैं। इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जिसकी नींव 1916 में डाली थी, आज उसी नींव को और मजबूत करके इसके ऊपर और दीवारें उठाने हैं हमको, उसी वैल्यूज़ के आधार पर, न कि उस वैल्यूज़ को छोड़कर। काशी का स्मरण मैं कब से कहूँ, मैं हम लोग बहुत छोटे बच्चे थे तब से मालवीय जी का नाम सुना। मालवीय जी जैसे व्यक्तित्व जो हैं सदियों में कभी कभी आते हैं। Thank you.
जी की स्मृति में आयोजित इस संगीत समारोह में भाग लेते हुए मुझे और हम सभी लोगों को कितनी खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है, प्रसन्नता हो रही है, इसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रही। मुझे तो अगर सच कहा जाए तो यूं मालूम होता है कि मैं घर आ गई। Thank you.
बालक मदन मोहन ने 5 वर्ष की अवस्था में धर्म ज्ञानोपदेश विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करनी आरंभ की तथा संस्कृत शिक्षा विद्या धर्म प्रवर्धिनी पाठशाला से प्राप्त की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में आपने प्रवेश लिया। वहीं से सन 1884 में बीए तथा 1891 में एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की। जप रे घट घट व्यापक राम 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 घट घट व्यापक राम जप रे घट घट व्यापक राम जप रे घट घट व्यापक राम जप रे घट घट व्यापक राम मत कर मत भाके मत पर धन हर मद मद चाखे घट घट व्यापक राम जप रे घट घट व्यापक राम जप रे घट घट व्यापक राम। महामना के इस सपने को साकार करने में सबका योगदान बहुत ज़रूरी है और महामाना ने जो सपना देखा है जो संस्कृति और जो शिक्षा के लिए जो उन्होंने किया है वो तो दुर्लभ है और वो ऐसा व्यक्तित्व इतना बड़ा व्यक्तित्व इतना त्याग इतना परिश्रम और उन्होंने शिक्षा दिया है कि कैसे हम भारतीय सांस्कृतिक विरासत को बचा सकते हैं। हमारा उनके चरणों में बहुत बहुत नमन है और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत प्रणाम है। आपने हमें यहाँ बुलाया इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। हंसध्वनि की एक दो रचनाएं सुना रहे हैं। गजाधर श्री गणपति
विघ्न हरण सुख करण विघ्न हरण सुख करण मंगल दायक प्रभु श्री गणपति गजानन श्री गणपति गजानन गणपति गजानन विघ्न हरण सुख करण मंगल दायक प्रभु श्री गणपति गजानन श्री गजानन गणपति गजानन श्री कॉलेज का अध्ययन समाप्त करते ही मदन मोहन अपने पुराने विद्यालय में अध्यापक हो गए। श्रेष्ठ अध्यापक में सच्चरित्रता, मृदुभाषिता एवं अपने विषय का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है और मदन मोहन में ये गुण कूट कूट कर भरे थे। उनकी वाणी साक्षात सरस्वती की वीणा की झंकार थी, एक प्रेरणा थी जो विद्यार्थियों की धमनियों में विद्युत प्रवाह बनकर गूंज जाती थी। वस्त्र ही के कारण बढ़ो इहां विदेशी राज, तजो विदेशी वस्त्र को जो तुम चाहो स्वराज, तजो विदेशी वस्त्र को जो तुम चाहो स्वराज,
तजो विदेशी वस्त्र को जो तुम चाहो स्वराज, तजो विदेशी वस्त्र को जो तुम चाहो स्वराज। हमारे मध्य उपस्थित है पद्म भूषण प्रोफेसर सी वी चंद्रशेखर जी और प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी।
मेरे साथ मेरी पुत्री चित्रा, जो स्वयं एक बहुत होनहार बहुत नामी कलाकार हैं, वो साथ नृत्य पेश करेंगी। अगली प्रस्तुति है महामना वंदन, जिसके रचयिता और स्वरकार हैं पंडित बलवंत राय भट्ट जी। बोल हैं हे महामना महान। हे महामना महान।
सबके प्रति हमारे सश्रद्ध प्रणाम। मैं पहले राग जयजयंती में अलाप जो धारा गत बजाऊंगा, इसके बाद चार पांच बंदिश देश राग में बजाऊंगा। विश्वमयी बहुविद्या
जाति खूब बौराई उपवीत त्याग चोटी कटवाई हैट बूट टाई अपनाई पतलून कोट पहन कर डोले ओह माय गॉड निरंतर बोले ओह माय गॉड निरंतर बोले ओह माय गॉड निरंतर बोले। महामना सब देख रहा अंतरतम था बेध रहा आकर्षण को कैसे रोधूं सब जन को मैं कैसे बोधूं सब जन को मैं कैसे बोधूं। कैसे बोधूं निस्तेज होती हुई इस नई पीढ़ी को कहां से लाऊं मीरा की भक्ति और शिवा की शक्ति कहां से भरूं इनमें हिंदुत्व की आन पर प्राण लुटा देने वाली धर्म निष्ठा। आज विलायती धर्म की ओर आकर्षित हो ये हिंदू जाति अपनी गरिमा और स्वत्व खोती जा रही है। अब मैं क्या करूं अब मुझे ही संकल्प लेना होगा अपने हिंदू भाइयों को वापस अपने धर्म में लाने का मुझे ही संकल्प लेना होगा। अपने धर्म की बुझी चिंगारी को तलाश करो और फिर से उसे उद्दीपित करो मदन फिर से उसे उद्दीपित करो उत्तिष्ट जागृत धर्मम चर। निकल पड़े सब धर्म सूरमा हिंदू जाति जगाने को मालवीय जी ब्राह्मण क्षत्रिय संघ शूद्र को सम अधिकार दिलाने को मालवीय जी ब्राह्मण क्षत्रिय संघ शूद्र को सम अधिकार दिलाने को मालवीय जी ब्राह्मण क्षत्रिय संघ शूद्र को सम अधिकार दिलाने को। एरी सखी एक बात कहूं एरी सखी एक बात कहूं सैया परदेश से आवत हैं तू तो ब्याही थोड़े दिन की कैसे जन पिया घर आवत हैं जाति के दृढ़तम बन करते जो मैं निज तन मन हर जन बोले नमः शिवाय नमः शिवाय सब जन बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
अगली प्रस्तुति है तोड़े मंगलम, तिरुपति बालाजी को समर्पित अन्नम्माचारी की रचना, जिसकी नृत्य संरचना गुरु अडियार के लक्ष्मण जी ने की है। प्रस्तुति है श्रीमति माला होमी जी। जय जनके रमण जय विभीषण शरण जय सलोलुम चरण जय दीन करुण जय 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 जनके रमण जय विभीषण शरण जय सलोलुम चरण जय दीन करुण जय जय शरणु शरणु सुरेंद्र सन्मुख शरणु श्री सति वल्लभ शरणु शरणु सुरेंद्र सन्मुख शरणु श्री सति वल्लभ शरणु राक्षस गर्भ संहर शरणु वेंकट नायक स्वामी श्री रघु जय वेंकट नायक शरणु 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 सुरेंद्र संग शरणु श्री सति वल्लभ सत धन को धनता धन को प्रेणता प्रेण को जुणुता जुणुता दिम करि को धन को धन को प्रेण को जन को कुंदरि चढ़ गद 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 सच आज मेरा देश पराधीन हो गया। आज के नए युवाओं ने अपनी संस्कृति और अपना धर्म दोनों ही दूषित कर लिया है। जिस भारत ने संपूर्ण विश्व को अपनी ज्ञान ज्योति से प्रकाशित किया, जिस भारत को अपनी जिन वेद ऋचाओं पर गर्व था, अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना विज्ञान, आज सब कमजोर पड़ गए। आज सब कमजोर पड़ गए इस विदेशी चिंकारी के आगे। आज ये अपने हिंदुत्व के संस्कारों को अपनाने में लजाते हैं। आज अपनी ही संस्कृति में बसी संस्कृत इनके लिए पराई हो गई। ये अपनी संतानों को कौन से संस्कार देंगे? कौन से संस्कार देंगे ये अपनी संतानों को? निश्चय ही आज हमारा देश पतन के कगार पर खड़ा एक धक्के की राह देख रहा है, एक धक्के की राह देख रहा है। बदल डालूंगा शिक्षा प्रणाली एवं परंपरा को। मैं पुनर्जीवित करूंगा भारतीय शिक्षा प्रणाली को, जीवित करूंगा भारतीय शिक्षा प्रणाली को। वेद की परंपराएं फिर से पनपें,
धन्वंतरी और आर्य भट्ट फिर से जन्मे। साम गान से गुंजित हो संपूर्ण आर्यावर्त, संपूर्ण आर्यावर्त गुंजित हो साम गान से। निर्माण करूंगा मैं एक और तक्षशिला का, जिसमें फिर से जी उठे नालंदा और विक्रमशिला। परंतु धन, इसके लिए तो आवश्यकता होगी अकूत धन की। कहां से लाऊंगा इतना धन? हे भगवान, मेरी रक्षा करो भगवान, कहां से लाऊंगा इतना धन? मांगना मेरा जातिगत स्वभाव है। आज तक मैंने किसी के लिए, स्वयं के लिए किसी से कुछ भी न मांगा, परंतु आज मांगूंगा, आज संचित करूंगा धन, बाध्य करूंगा उन धन कुबेरों को कि
कि मेरे इस महायज्ञ में होता बने और आहुति दें अपने धन की, अपनी संपदा की आहुति दें। उनके अलावा राजा से रंक तक सभी इसमें आहुति देकर पुण्य के भागी बने। दिस इज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी एज एन आर्टिस्ट। इट्स अ ग्रेट प्लेजर, ऑनर एंड चैलेंज फॉर एनी आर्टिस्ट टू परफॉर्म इन बनारस, विच इज द हब ऑफ क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस एंड स्पेशली BHU। Celebrations held to commemorate the 150th birth anniversary of Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya ji under the auspices of the Ministry of Culture, Government of India. We feel privileged that this auspicious occasion is being graced by the august and honorable presence of Shri Pranab Mukherjee, President of India, as our revered chief guest. Also gracing the occasion is the honorable presence of Dr. Ramvaran Yadav, President of Nepal. Lending their gracious and honorable presence on this occasion are our eminent guests of honor, the Governor of Uttar Pradesh, Shri B.L. Joshi ji, Minister of Culture, Government of India, Srimati Chandresh Kumari Katoj ji, and Minister of State for Finance, Government of India, Shri Namo Narayan Meena ji. काशी हिंदू विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ इस विशाल विद्या केंद्र के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से होगा। आज
We'll now request the Honorable Vice Chancellor of Banaras Hindu University, Dr. Lalji Singh, to deliver the formal welcome address. Esteemed members of the Academic Council, Executive Council and Court, the Registrar and other officers of the Banaras Hindu University, faculty of members, other members of the university, media persons, eminent guests, ladies and gentlemen. It is an honor and a privilege for me to welcome the galaxy of eminent leaders and renowned academicians on the occasion of a special convocation of the Banaras Hindu University being organized as a part of the closing ceremony of the year-long celebration of the commemorate the 150th birth anniversary of Mahamana Pandit Madan Mohan Malaviya ji. The event is being organized under the auspices of Ministry of Culture, Government of India. I feel delighted and proud to share with you that the several earlier convocations of this prestigious university established by Mahamana has been addressed by the reigning presidents of India, including Dr. Rajendra Prasad, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, Dr. APJ Abdul Kalam, and Srimati Pratibha Devi Singh Patil. In continuity of such a great tradition, today we have amongst us the 13th President of India, Shri Pranab Mukherjee ji, as the chief guest. It is an honor for us to extend warm welcome to you, sir, in this temple of learning. Dr. Karan Singh ji, we are really grateful that you have guided us to make this function of the 150th anniversary of Mahamani a very, very successful program, and it is because of your guidance that all these functions have gone so smoothly and very well organized. I would also like to thank the Honorable Governor for having been graced this function of ours and taken out time for us. Last of all, I'd like to thank all the organizers who have put in all their efforts to make this program a dignified and very graceful program. In the end, I would only just like to say one thing, that Panditji Madan Mohan Malviya ji may not be with us today, but he is immortal. He will always be remembered because he gave the people of India the awareness of education. He established this university, which gave a chance to the younger generation of India to achieve their goals, to make a better and stronger India. I am extremely honored to be here today to pay my respect and homage on the occasion of the closing ceremony of the 150th birth anniversary of Mahamana Pandit Madan Mohan Malviya. Mahamana had a versatile personality reflected in his achievements as a scholar extraordinary, eminent jurist, editor, lawyer and an educationist. He is one of the foremost architects of modern India, who besides being an educationist par excellence, was also among the top leaders of the Indian freedom movement. It is a matter of great pride for all of us here that commemorative coins of the denomination of rupees 150 and rupees 5 on Malviya ji will be released on this occasion. May I now request the Honorable Union Minister of State for Finance to please present the commemorative coins on Malviya ji for release by the Honorable President of India. We have with us the gracious and humane presence of the Honorable Governor of Uttar Pradesh, Shri P.L. Joshi ji,
It is a memorable occasion and undoubtedly a landmark for all of us to have our Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee here, as also the President of Nepal, Right Honorable Dr. Ram Baran Yadavji, who has kindly consented to accept the degree of honoris causa today. Kashi Hindu Vishwavidyalaya ki kuladhipati ke roop mein nihit apne adhikar dwara main Shri Ram Baran Yadav ji ko aapko is vishwavidyalaya ki Doctor of Laws ki samarar upadhi se alankrit karta hu tadarth ye praman patra aur is upadhi ke suchak chinhon ko dharan karne ka adhikar pradan karta hu. Malaviya ji established this university and served it selflessly with all his strength. His spirit, as reflected in the motto of this university, continues to guide and inspire the present generation. It's indeed a privilege for me to be present in this famous seat of learning founded by a great patriot, Mahamana Pandit Madan Mohan Malaviya, a true son of the soil. Malaviyaji dedicated his whole life in the service of our nation. A statesman, scholar, educationist, journalist, social reformer, and legislator, his contribution to the making of modern India has been immense and varied. He was one of the foremost architects of modern India and also one of the most outstanding leaders of our freedom struggle. This ceremony is being presided over today by our Honorable Chancellor, sir, who is also the chairman of the National Implementation Council for the commemoration of 150th birth anniversary of Mahamana Malviyaji. May I please humbly request you, sir, to kindly address us. Om Ganga Taranga Ramaniya Jatakalapam Gauri Nirantara Vibhushita Vama Bhagam Narayana Priyamanangamadapaharam Varanasi Purupatim Bhajavishwanasam Tejo Mayam Saguna Nirgunam Advitiyam Anandakandam Aparajitam Aprameyam Nagatmakam Sakala Nishkalam Atmarupam Varanasi Purupatim Bhajavishwanasam. Samadhaniya Rashtrapati Shri Pranab Kumar Mukherjee, समादरणीय नेपाल के राष्ट्रपति डॉक्टर राम मरण यादव, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, मंत्रीगण चंद्रेश कुमारी जी जो भी नए संस्कृति मंत्री बने हैं, नमो नारायण मीना जी, उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री राम गोविंद चौधरी, हमारे कुलपति डॉक्टर लाल जी सिंह और समस्त बीएचयू के परिवार के सदस्यगण, भाइयों बहनों और प्रमुख नागरिकगण, दो नई संस्थाएं बन रही हैं, मालवीय सेंटर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स. क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे, जब तक नैतिक मूल्य अगर समाप्त हो जाएं किसी देश में, किसी समाज में, तो फिर वो देश आगे पनप नहीं सकता. मालवीय जी मात्र एक संस्था नहीं बना रहे थे, वो किन्हीं मूल्यों की के लिए कार्य कर रहे थे जो हमारे में निहित है, हमारी संस्कृति में निहित है. एकम सत्य विप्रह बहुधा वदंती, सच्चाई एक है, उसे अभिव्यक्त करने के अलग अलग मार्ग हैं. वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व एक परिवार है. बहुजन सुखाय बहुजन हिताय च, हरेक का कल्याण हो. सर्वेपि सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया, इस प्रकार के हमारी संस्कृति में निहित हैं बहुत सारे मूल्य जिनका ह्रास हो रहा है और जिनके ह्रास का परिणाम देख ही रहे हैं अपने सामने.
इसलिए एक संस्था यहाँ बन रही है उनके मूल्यों को बढ़ाने के लिए, और एक सेंटर फॉर इंटरकल्चरल स्टडीज़ बन रही है राष्ट्रपति जी, जो विशेषकर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उनके परस्पर संबंध, प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध के विषय में कार्य करेगी। नेपाल हमारा निकटतम पड़ोसी है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से, और फिर हमारा ससुराल भी ठहरा। याचकों की मंडली दान की आकांक्षा में संपूर्ण भारत के भ्रमण पर निकल पड़ी। महामना जी चल पड़े उन धन कुबेरों से धन संग्रह करने की आकांक्षा में, कि वो फिर से एक तक्षशिला का, नालंदा का निर्माण कर सके काशी में। किसी ने अपने दिन भर की कमाई दे दी तो किसी ने जीवन भर की, किसी ने अपना सर्वस्व दे दिया, और किसी ने अपने आभूषण उतार कर महामना जी के सपने को साकार करने के लिए दे दिया, किसी ने वस्त्र उतार कर दिए। कितना पवित्र था यह दान कितना पवित्र और कितना अनोखा दान याचना में महामना का व्यक्तित्व महायाचक के रूप में उपस्थित हुआ। वे कहा करते थे, मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज, परमारथ के कार में मोहे ना आवे लाज, परमारथ के कार में मोहे ना आवे लाज। दान के वचनों द्वारा लिए गए धन को वसूलने का काम किया सर सुंदर लाल जी ने, और बखूबी निभाया यह कार्य। इस तरह मालवीय के सपनों का हिंदू विश्वविद्यालय साकार हुआ, साकार हुआ वह सपना हिंदू विश्वविद्यालय का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सपना यूं साकार हुआ। नमस्कार, आप सभी का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। हम सभी के लिए बहुत ही ये खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि दुनिया के इतने बड़े विद्यालय में आज हम अपना कार्यक्रम पेश कर पा रहे हैं। और मैं नहायत ही अदब से डॉक्टर करण सिंह जी का स्वागत करना चाहूँगा, इस्तकबाल करना चाहूँगा। बस शुरू कर रहे हैं हम बहुत ही प्राचीन राग, राग श्री से। इसमें अलाप और दो बंदिशें एक झपताल में और एक तीन ताल में पेश करेंगे। राग श्री, आप सब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। शुक्रिया। Thank you.
सबका सौभाग्य है कि यहाँ आप सबकी सेवा करने का मौका मिला है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी के चरणों में हम अपना सारा संगीत और ये कार्यक्रम उनको समर्पित कर रहे हैं। मैं राग जिला काफी, ये बहुत ही खूबसूरत एक राग है जो सरोद के लिए मोस्ट सूटेड राग जिला काफी, इसमें एक रचना मैं पेश करूंगा। धन्यवाद। I just want to play a composition of great Rabindranath Tagore. Most of his compositions were based on ragas, different ragas. But being a great poet, he took liberty in every raga. And gradually, slowly, I realized only a genius can take liberty. Whatever note he added, that sounded beautiful because of his poetry. But this particular composition is based on folk music of Bengal. Ekla Chalore. Thank you. Ambience of this university is really great. When I was about to take admission for my graduation after my class 12, I just visited the campus once. And there was an X factor, there was something which was drawing me towards this university.
Thank you.